धन्यवाद। माननीय सभापति जी, आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। 8 जुलाई को हमारे महाराष्ट्र के बाजू के प्रदेश के और अभी रेल मंत्री के रूप में काम करने वाले गौड़ा जी का बजट था, और जबकि हम महाराष्ट्र से आते हैं तो बड़ी उम्मीदें लगाकर गौड़ा जी की तरफ देख रहे थे सर कि गौड़ा जी हमें महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा पैकेज देंगे, और क्यों न देंगे, क्योंकि 48 में से 42 सांसद सत्ता पक्ष के साथ महाराष्ट्र में भेजे। और जब ये बजट आया तब एक बड़ी निराशा महाराष्ट्र में छा गई, और ये कांग्रेस के सांसद के नाते मैं आपके सामने अध्यक्ष जी नहीं रख रहा, महाराष्ट्र के दूसरे दिन के जो पेपर है, सामना से लेकर, लोकमत से लेकर, महाराष्ट्र टाइम्स से लेकर, लोकसत्ता से लेकर, इन सभी पेपर्स की कटिंग्स मेरे पास है। उस पेपर में यह आया है कि महाराष्ट्र को साइडलाइन को डाला गया है। अभी हमारे वरिष्ठ सांसद खैरे जी का भी बड़ा अच्छा भाषण हुआ, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उस दिन भी बजट भाषण, रेलवे के बजट भाषण के बाद कहा था कि महाराष्ट्र के कई सारे बातों की तरफ ध्यान नहीं रखा गया। खैरे जी को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। कई सारे सांसदों ने प्रेस में स्टेटमेंट दिए, मेरे बीजेपी के भी कई सारे सांसद यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि 48 में से 42 सांसद आज सत्ता पक्ष के साथ है, और कहीं ना कहीं दुख है जो उनका दुख शायद मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपने 14.5% का फेयर का किराया बढ़ाया, जिस प्रकार से माल के इसमें 6.5% का वृद्धि आपने की, और अभी रेल मंत्री जी आपने भाषण में कहेंगे कि हमने मुंबई के सब अर्बन रेलवेज का किराया कम किया। क्या मंत्री जी आपने वो रेल का किराया कम किया? जनता में जो आक्रोश था, जिस प्रकार से मुंबई ने आपके साथ रहने की बात की, उस जनता में वो आक्रोश था, और उस आक्रोश के बाद आपने वो किराया कम करने की बात कही। लेकिन क्या किराया कम करने से वो 60 साल का आदमी जो दिन भर खड़ा रहा अध्यक्ष जी, और दिन भर खड़े रहने के बाद उसको पास मिला, वो 70 साल की बूढ़ी महिला जो उस पास के लिए दिन भर लाइन में खड़ी रही, क्या उसकी परेशानी कम हुई? एक एक दो दो साल के बच्चे को साथ में लेकर वो माँ पास के लिए खड़ी रही, क्योंकि जिस प्रकार से रेल के किराए में वृद्धि हुई, उसके साल का बजट इसमें खत्म हो रहा था। क्या उसका कसूर इतना ही था? क्या उसका कसूर इतना ही था कि उसने अच्छे दिन के लिए वोट दिए? नहीं अध्यक्ष, उसको बहुत कुछ आपसे उम्मीदें थी, सरकार से उम्मीदें थी, और वो उम्मीद पे ये सरकार कायम नहीं रही। हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे। इस देश के रेल में सबसे ज्यादा अगर कोई रेवेन्यू देता है, तो वो महाराष्ट्र देता है। 40% के आसपास का रेवेन्यू महाराष्ट्र से आता है। अगर 40% के आसपास का रेवेन्यू महाराष्ट्र से आता है, तो 40% बजट का एलोकेशन महाराष्ट्र के लिए क्यों नहीं, ये मेरा सवाल है। ये कोई मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मैं मांग नहीं रहा हूं, क्योंकि 42 कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके पास है। तो हमारा रिक्वेस्ट आपके जरिए अध्यक्ष जी, मंत्री जी से रहेगा कि जैसा रेवेन्यू महाराष्ट्र देता है, वैसा एलोकेशन आपकी तरफ से होना चाहिए। महाराष्ट्र इस देश की आर्थिक राजधानी रही है, आर्थिक प्रदेश रहा है, और इसलिए जिस प्रकार से सभी सांसदों ने मांग रखी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मांग रखी, हमने स्टेट का एलोकेशन देने की हमने बात की, हमने उस वक्त कहा था कि वर्धा यवतमाल नांदेड़ प्रोजेक्ट के लिए हम स्टेट का एलोकेशन देने के लिए तैयार है। हमारे नेता गोपीनाथ मुंडे जी का एक सपना था, जो खैरे जी ने अभी भाषण में कहा कि अहमदनगर बीड परली वैजनाथ की रेलवे रूट होने का उनका सपना था, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट पैसे देने के लिए तैयार है। लेकिन अफसोस, इसमें से किसी भी प्रोजेक्ट को आपने आपके रेल बजट में शामिल नहीं किया। अमरावती में रेलवे की वैगन फैक्ट्री की बात है, अमरावती में वो रेलवे की वैगन फैक्ट्री आपने सैंक्शन की, लेकिन आगे कुछ हुआ नहीं। अगले साल नासिक में अर्ध कुंभ मेला होने जा रहा है, क्या कुंभ मेले के लिए भी रेलवे के बजट से कुछ नहीं मिलेगा? पूरे देश से लोग आएंगे, क्या नासिक के लिए कोई सुविधा नहीं मिलेगी?
यवतमाल में आपके सांसद है, बुलढाणा में आपके सांसद है, उनके यहाँ पर रेलवे नेटवर्क नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं होगा। मुंबई और हिंगोली की ट्रेन की हमने बात की, हर रोज एक ट्रेन अगर वहां पर शुरू हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। पूर्णा खंडवा लाइन की बात है, किनवट माहूर माहूर पुसद सर्वे की बात इसमें हमने कही। आपने टूरिस्ट सर्किट की बात की, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँ। अध्यक्ष जी मैं एक मिनट लूंगा सर, मेडन स्पीच है अध्यक्ष। लेकिन मैं तो आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने टूरिस्ट सर्किट की बात की, लेकिन महाराष्ट्र में औंढा नागनाथ है, परली वैजनाथ है, घृष्णेश्वर है, भीमाशंकर है, क्या इन ज्योतिर्लिंगों के लिए क्या टूरिस्ट सर्किट का घोषणा सरकार करेगी? माहूर है, वनी है, ऐसे कई सारे शक्तिपीठ है, क्या उसके लिए इस सरकार के द्वारा मदद होगी? तो हम उनका भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे। खैरे जी ने नांदेड़ के ऑफिस की बात की, ये बहुत सालों से प्रलंबित डिमांड है और उसके लिए शिवसेना और सभी साथी हम सब लोग साथ में हैं। मेरी मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मंत्री जी उसके लिए फाइनेंशियल बजट की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई के साथ अब नांदेड़ को जोड़िए, अब नांदेड़ की हैदराबाद के साथ आप मत जोड़िए। इस बजट में मंत्री जी आपने विवेकानंद जी की दर्शनी के लिए आपने ट्रेन चलाने की बात की, हम आपका बड़ा अभिनंदन करते हैं, लेकिन हम महाराष्ट्र के लोगों को तब खुशी होती कि छत्रपति शिवाजी महाराज की दर्शनी के लिए भी एक ट्रेन इसमें चालू होती और मेरे शिवसेना के साथ ही मेरे साथ इसलिए खड़े रहेंगे क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की दर्शनी का एक विशेष ट्रेन का भी आप ऐलान करेंगे। अध्यक्ष जी एक ही बात मेरी रखनी है, 3 जून को इस देश के लिए एक बड़ी हानि हुई। इस महाराष्ट्र का सपूत, इस महाराष्ट्र का नेता गोपीनाथ मुंडे जी हम सबके बीच में नहीं रहे। गोपीनाथ मुंडे जी के जाने से इस महाराष्ट्र का नुकसान हुआ, मराठवाड़े का नुकसान हुआ। मेरा एक ही सवाल आपके माध्यम से अध्यक्ष जी है कि आज गोपीनाथ मुंडे जी रहते थे तो क्या ये बजट देखकर महाराष्ट्र के ऊपर जो अन्याय हुआ वो देखकर वो खुश होते? जो मराठवाड़े से वो आते हैं वो मराठवाड़े पे ऊपर जो अन्याय हुआ उससे नहीं खुश होते? और इसलिए अगर ये सरकार श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती है तो जो रेल यूनिवर्सिटी आप स्थापित करना जा रहे हो उस रेल यूनिवर्सिटी को गोपीनाथ मुंडे जी का नाम दीजिए और वो हिंगोली में स्थापित कीजिए। इतनी विनती आपके माध्यम से मैं रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।